हमारे पास शाहपुर से सर्किट नाम का एक डॉग आया, उसका जॉ है वो फ्रैक्चर था। हमने पालमपुर से सर्जरी उसकी फिक्स करवाई और उसे पालमपुर भेजा। वहाँ पे उसकी इंट्रामेडुलरी वायरिंग करवाई गई और वापस हमारे पास वो आया। उसके बाद हमने उसको मेडिकेशन के साथ उसकी ट्रीटमेंट करी, उसे प्रॉपर डाइट दिया और वो इसी तरह से रिकवर करना शुरू हो गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके बिहेवियर में एकदम से चेंज आ गया। पहले वो बहुत शांत था, बहुत फ्रेंडली था, लेकिन बाद में वो एकदम से फ्यूरियस हो गया। वो हर चीज़ को बाइट करने की ट्राई करने लगा। उसकी जो स्लाइवेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो अपने केज को तोड़ने लगा। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई, जो कि रेबीज जैसे डिजीज की तरफ इशारा करती थी। मैं क्या बोलते मित्तू बोला ना, क्या बोलते अरे भाई है तो है गा ही ना रहता से है। मुर्ख से बांधे थे नहीं नहीं मुर्ख रहे तो अब आप कर्मा जो है कर्मा के सीधे हाथ वाले पैर पे ऊपर की तरफ चोट लग गई थी, तो इसका हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट कर रहे थे। हमारे पास जगह बनी और इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था, तो हम इसे ले ही आए। पता नहीं मेरे को हैरानी की मैकेस कैसे नहीं पड़े इस पे। अब इसकी चोट बहुत बड़ी है तो टाइम लगेगा, पर ठीक तो ये हो जाएगी। लेकिन एक समस्या है, हफ्ते पहले हमारे पास एक पपी आया था जिसका नाम हमने कद्दू रखा। उसको एक माइनर नर्व डैमेज थी, तो सिर्फ 2 हफ्ते के केजरे से वो बिल्कुल सही हो गया। Is he staying inside? Yes. Good. Yeah. He's too little to be out. अब कद्दू को घर भी मिल गया है। हमारे क्लिनिक टीम में से नवीन ने कद्दू को अडॉप्ट कर लिया है। सोचा कि इसका नाम मटरू रखूंगा, तो अभी घर ले जा रहा है इसको। वास्तव इस हफ्ते कद्दू के साथ साथ तरबूज भी अडॉप्ट हो गया। तरबूज एक अबैंडन्ड लैब्राडोर था। जब वो हमारे पास आया तो हमने देखा कि उसके पूरे फेस पे घाव थे, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट था और वो बहुत ज़्यादा शट डाउन भी था। तो जहाँ पे वो पहले रहता था उन लोगों ने उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था, उसको ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया था मरने के लिए। तो धीरे धीरे हमारे साथ इंटरेक्ट करके, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उसके बिहेवियर में तो काफ़ी बदलाव आया, लेकिन हम सिर्फ यही सोच रहे थे कि ऐसे डॉग को कौन ही अडॉप्ट करेगा, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर छोटे पपीज़ अडॉप्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। सीनियर डॉग्स को यहाँ पर कोई अडॉप्ट करता नहीं है। तो तरबूज तो ओल्ड भी था और ऊपर से ओवरवेट भी था। हम तरबूज के बारे में फेसबुक और इंस्टाग्राम में काफ़ी पोस्ट करते थे, तो यही पोस्ट देख के करण जी ने डिसाइड किया कि वो ही तरबूज को घर लेके जाएंगे। अंदर मत जाओ। ओके सिगरेट।
वेरी गुड लेटा दो। हमने सर्किट को एक दो दिन ऑब्जर्वेशन में रखा, उसके सिम्टम पूरी तरह से रेबीज की तरफ ही इशारा कर रहे थे। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो सलाइवा से भी और उसकी बाइट से भी दूसरे जानवरों में और इवन ह्यूमंस में भी पहुंच सकती थी। हमारे पास फिर एक ही रास्ता बचता था, वो था यूथनेशिया का, और लास्ट में हमने यही डिसीजन लिया कि उसको यूथनाइज कर दिया जाए। समस्या सारी ये है कि इसको बड़े महीने लगेंगे यहाँ ठीक होने में, और सड़क से जो भी गाय आती है ना वो किसी ना किसी स्टेज पे प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि इनका कोई स्टरलाइजेशन प्रोग्राम तो नहीं है, सड़क पे क्रॉस कर जाते हैं। अब जब ये यहाँ पे किसी बछड़े को या बछिया को जन्म देगी तो हमारे लिए समस्या हो जाती है कि इसका करें क्या, क्योंकि इसको तो हम वापस रिलीज़ कर देंगे और वो जो बच्चा है उसको तो ना गाड़ियों का आइडिया, उसको तो ये लगता है कि भाई एक सेफ जगह में पैदा हुआ हूँ, उसको सड़क पर कहाँ छोड़ें, ना तो उसको वो लेके जाएंगे जो दूध बेचते हैं और ना उसको वो लेके जाएंगे जो दूध पीते हैं।